अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना, जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक और नई प्रेस अपडेट के साथ। राजस्थान बेरोजगारी पता इंटर्नशिप योजना लेटेस्ट न्यूज, 8 दिसंबर बिल और पेमेंट डेट स्क्रीनशॉट, लेटेस्ट न्यूज, दिसंबर बिल और पेमेंट कंप्लीट अपडेट, वेरीफाई पाओ अप्रूव, इस सब की जानकारी आपको इस वीडियो पर पता चलेगी। वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंटर्नशिप योजना को लेकर जो बड़ी अपडेट है इसके बारे में। ये दोस्तों इसके अंदर तो न्यूज़पेपर की तो कटिंग है। इसके अंदर बताया गया कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना आशार्थियों के आवेदन अप्रूव किए गए, यानी कि इसके अंदर बताया गया है कि तो अब तक मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के तहत 11 जनवरी तक 4168 आशार्थियों के आवेदन अप्रूव किए गए, जिनमें से 11 जनवरी तक 568 आशार्थियों का आवेदन इंटर्नशिप है। यानी कि इसके अंदर बताया गया है कि ये आई है श्री तो गंगानगर जिले के अंदर 11 जनवरी तक 4168 अभ्यर्थियों के आवेदन अपलोड किए गए, जिनमें इंटर्नशिप के लिए 568 अभ्यर्थियों के आवेदन इंटर्नशिप के लिए शामिल हो चुके हैं। और इसके अलावा तो बात करते हैं आज की तो पेमेंट के अंदर। तो दोस्तों आज तो भरतपुर का तो रीपेमेंट हुआ, इसके अलावा हनुमानगढ़ का आज तो पेमेंट आया, और इसके अलावा बहुत सारे तो कमेंट और मैसेज आ रहे हैं कि सर आज वडोदरा ज़िले का भी तो पेमेंट आया है। तो आज वो 2 से 3 जिलों की तो पेमेंट की अपडेट है। इसके अलावा बात करते हैं वो दिसंबर का बिल पास, तो दोस्तों आज वो श्री तो गंगानगर और इसके अलावा 1 से 2 जिलों के बिल पास हुए, और अभी तक वो दिसंबर का बिल पास और तकरीबन वो 26 से 28 वो जिलों के बिल पास हो चुके हैं। इसके अलावा तो बात करते हैं इंटर्नशिप योजना को लेकर अपडेट आई है, और जिन अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप योजना के लिए तो विभाग तो मिला है, वहाँ पर आप एक बार वो ज़रूर वो जाके है, ताकि आपको भी तो पता चल जाए कि इंटर्नशिप वो किस प्रकार से होगी, क्या अभी लॉकडाउन की स्थिति होगी या फिर बंद होगी या नहीं होगी, एक बार आप रोज़ा करें वो ज़रूर आकाए। इसके अलावा और भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।